ये जैसे ही मैंने इसको दबा के डाला इसका रिवर्स कैमरा, ये भैया देखो क्वालिटी देखो जरा रिवर्स कैमरा की। और कुछ नहीं करना पड़ा यार इसमें, कुछ भी नहीं, बन गया। अब मेरे को यहाँ पे फुल स्क्रीन करनी है, मैंने यहीं से दबा दिया और ये देखो भाई फुल स्क्रीन होगी, और वीडियो प्ले करी तो भाई यहीं से होगी। तो भाइयों वेलकम बैक एक नई वीडियो में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में सेफ हो गए यार और सारे बढ़िया हो गए यार। तो यार आज हम अपनी दोबारा अपनी धनों के अंदर स्कॉर्पियो एंड जेट्टो के अंदर, और भाई आज हम आपको बताने वाले हैं भाई ये जो इसके अंदर टच इनफोट, तो भाई ये जो टच इन्फोटेनमेंट होता है ये आपको खाली Z2 मॉडल के अंदर ही मिलता है। मेरा मतलब ये एंड्रॉयड वाला सिर्फ Z2 मॉडल के अंदर मिलता है। Z4 से आपको दूसरा महिंद्रा का इंटीग्रेटर मिलना शुरू हो जाता है, और Z2 मॉडल के अंदर भाई ये आपको निपॉन ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो मिलता है। बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज का है, बेसिक है, लेकिन भाई बहुत काम की चीज़ है ये। और भाई सबसे पहली बात तो भाई महिंद्रा को थम्स अप है जो उन्होंने बेस मॉडल के अंदर भी भाई म्यूजिक प्लेयर दिया। मतलब आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, सब सफारी वगैरह ले लो, उनके बेस मॉडल में म्यूजिक प्लेयर नहीं आता। तो भाई महिंद्रा ने 11,99,000 वाली स्कॉर्पियो के अंदर भी भाई म्यूजिक प्लेयर दिया है। मतलब बहुत टॉप नॉच लेवल का तो नहीं है भाई, बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, और कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये भाई बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब जो फीचर एक्सपेक्टेड नहीं है ना वो भी इसके अंदर है भाई। तो मैं आपको देने वाला हूँ उसका क्विक ओवरव्यू, कैसा सा कुछ आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है। मतलब यहाँ पे आपके ब्लूटूथ का वो जो आपका वो होता है कनेक्टेड का, उसका वो आइकन आ जाता है। यहाँ पे आपका टाइम आ जाता है, टाइम इसका ना वैसे ख़राब ही चलता है, मतलब मैं इसको 2-3 बार रीसेट कर चुका हूँ, तो पर ये अपने आप ना पता नहीं शुरू हो गया, इसमें 7 बज जाते हैं कैसे भगवान जाने। और इसको मैं फर्स्ट सर्विस पर दिखाऊँगा यार, जैसे कि अभी तो मेरी गाड़ी नई है, फर्स्ट सर्विस इसकी अभी अगले हफ्ते करवानी है। तो ये देखो भाई 764 किलोमीटर ही चली है अभी। तो भाई यहाँ पे मैंने एक स्पेयर फ़ोन भी रखा हुआ है जिसको मैं कनेक्ट करके आपको इसको सारा कुछ मतलब फंक्शनैलिटीज आपको समझा दूंगा इसकी। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आता है नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूज़िक सेटिंग्स और ऐप्स। तो भाई ये आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐसा होता है। पीछे का वॉलपेपर आप ज़रूर चेंज कर सकते हो, साइड में आपको कुछ वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, बैक, होम, और ये स्क्रीन ऑफ करने का बटन है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा स्क्रीन ऑन होगी। ये वाला बैक का बटन है भाई, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पे क्लिक करा आपने बैक जाना है तो बस ये बटन दबा दिया। उसके बाद भाई होम का भी बटन का वैसे यही काम है, बस ये आपको एक बार बैक लेके जाएगा, होम वाला आपको सीधा होम पर ले जाएगा। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऊपर और वॉल्यूम नीचे कर सकते हो, तो इसकी ये फंक्शनलिटीज है। उसके बाद भाई अगर मैं आपको इसमें गाने प्ले करके दिखाऊँ तो आपको गाने प्ले करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्लूटूथ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है इस पे, इस वाले आइकन पे, यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप फ़ोन में गाने प्ले करोगे तो आपके गाने चल जाएंगे। एक बार मैं आपको कोई गाना प्ले करके दिखाता हूँ ना। तो भाई मैंने अपने फ़ोन में ना नो कॉपीराइट म्यूज़िक खोल लिया, और अब आपको इसको प्ले करने के लिए मतलब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है ब्लूटूथ पे, ठीक है। ये आपका ये वाला ऑप्शन है, मतलब जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे गए और आपने इसको प्ले कर दिया और इसकी म्यूजिक क्वालिटी आपको सुना देता हूँ। मतलब फुल वॉल्यूम पे अगर आप इसको चलाओगे ना तो मतलब ये हल्का हल्का सा हिलने लग जाता है। तो आपको इससे इस तो भी आपको इसकी फंक्शनलिटी भी दिखाता हूँ। ब्लूटूथ पे आप गए, आपको डायल पैड आ गया, ये आपकी कॉल बुक आ गई, ये आपको म्यूज़िक चल रहा है भाई, आपके फ़ोन आ गए, और यहाँ से जाके इसकी सेटिंग्स आ गई जहाँ पर आप इसको मतलब नाम वगैरह इसका पिन वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी इसके ब्लूटूथ की आपके बात बता दूँ, जब भी आपको भी आगे गाड़ी में बैठते हो ना और ब्लूटूथ मतलब आपका अगर गाड़ी का ऑन और पेयर्ड है, तो मेरी i20 में क्या होता है कि जैसे मैं गाड़ी में आके बैठा तो जैसे ही मैं बैठा गाड़ी ऑन करी तो गाने भी खुद अपने आप ही चलने लग जाते हैं जहाँ से मैंने पॉज करा था या लास्ट टाइम मैं गाड़ी छोड़ के गया था। इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बार बार ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके गाने अपने आप नहीं चलेंगे, आपको फिर भी मतलब यहाँ से प्ले का बटन दबाना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर ही आपके गाने चलेंगे ऐसे करके। तो भाई ये बस एक बात है इसमें, मतलब ये आपको हर बार प्ले करना पड़ता है, मतलब इतना बड़ा कुछ निगल नहीं है, बट हाँ आपको बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब है, उसके बाद भाई यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका रेडियो चल पड़ेगा। रेडियो में प्री वही होते हैं, मतलब आपने इसको बस सेट करना, और भाई बहुत बढ़िया रेडियो पकड़ती है गाड़ी, कोई इशू नहीं इसके रेडियो में, कोई मतलब आवाज़ में डिस्टर्बेंस नहीं आती, कुछ नहीं आती, फर्स्ट क्लास एकदम रेडियो चलता है और आवाज़ बहुत सही आती है, मतलब पता भी नहीं चलता कि
जैसे कुछ गाड़ियों में होते हैं ना, रेडियो की आवाज़ थोड़ी मोटी सी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एकदम बढ़िया रेडियो की आवाज़ आती है। उसके बाद भाई वापस गए होम पे, म्यूज़िक हो गई, ये आपकी सेटिंग्स होगी, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपकी मतलब प्रॉपर एंड्रॉयड की तरह सेटिंग्स है भाई, इसके अंदर जाके अपनी डिस्प्ले वगैरह, ऐप, नोटिफिकेशन सब चेंज कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ कार सेटिंग्स आ गई आपकी, तो इसके अंदर ना आप अपना ये रिवर्स कैमरा वगैरह, स्टेयरिंग व्हील सब के आप ये कंट्रोल वगैरह देख सकते हो। मतलब मैं हर उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ये खोला, तो ये होता है आपके स्टेयरिंग के कंट्रोल सेट करने के लिए, ये जो आपका वॉल्यूम अप डाउन गया। अगर आपको इसकी किसी की भी सेटिंग चेंज करनी है तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपकी इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। बहुत सारा कुछ है इसमें मतलब सिलेक्ट करने के लिए, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड वही आपकी फिर सेटिंग यहाँ पे इस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है भाई। और भाई किसी भी एंड्रॉयड की तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिलता है मल्टी टास्क बार, ये आपको शो कर देगा कि हाँ भाई आपने क्या क्या पहले खोला था, और इसको फिर आप ऐसे ही एंड्रॉयड की तरह यहाँ पे इसने दबाया और ये एकदम से क्लीन हो गया, ठीक है भाई। ये होगी मेन बात, ठीक है। अब भाई जो मेन चीज़ है, जो इसका मेन अट्रैक्शन है, वो है भाई इसमें वीडियो कैसे चलती है। तो भाई उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने एक बस एक अपना एंड्रॉयड फ़ोन लिया, आप iOS के साथ भी कर सकते हो, पर मैंने यार अभी सच्ची बताऊँ, मैंने iOS के साथ टेस्ट नहीं करा, मैंने अभी तक सिर्फ ये एंड्रॉयड के साथ ही टेस्ट करा है। तो अभी मैं आपको एंड्रॉयड के साथ ही चला के इसको दिखा देता हूँ कि कैसे ये फंक्शनैलिटीज़ की वर्क करती है। अब भाई देखो, मैंने इसके अंदर तार लगा दी है और ये मेरी NCS की स्क्रीन चल रही थी। तो अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इसमें यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड ऑटो, बस, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और आपने क्लिक करना है ऐप्स वाले सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ना एक कार्बिट लिंक की ऐप, एक ये प्री मतलब वो लोडेड ऐप है, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से डली हुई है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो भाई आपके फ़ोन में भी कार्बिट लिंक ऐप अपने आप चल जाएगी। तो भाई ये देखो, आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले आ गया। अब यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मांगेगा स्क्रीन मिररिंग का या एंटी डिस्को, या एंटी डिस्को मुझे नहीं पता क्या होता है भाई, तो आपने दबाना स्क्रीन मिररिंग और यहाँ कर देना स्टार्ट नाउ। तो भाई ये देखो चकाचक आ गया। अब अगर मैं इस फ़ोन को भी छोड़ देता हूँ ना, चलो मुझे फ़ोन से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपका फ़ोन बन गया है। अब मेरे को यहाँ पर फुल स्क्रीन करनी है, मैंने यहीं से दबा दिया और ये देखो भाई फुल स्क्रीन होगी, और वीडियो प्ले करी तो भाई यहीं से होगी। ये नो कॉपीराइट वाली मैंने अभी चला रखी है, आप इसमें कुछ भी चला सकते हो भाई, गाने अपना कुछ भी जो आपके फ़ोन पे चल रहा है बेसिकली वो है। आप यहाँ पे बेशक इंस्टाग्राम चला लो, तो भाई ये सीन है, ये बेसिकली बस आपका कुछ ये देखो भाई, यहाँ से मैंने बैक करा, ये बैक हो गया, ये होम दबाया, ये मेरा भाई चैनल खुल गया। तो भाई मतलब बहुत सही ऐप है ये, देखो भाई ये आ गया होम स्क्रीन पे। बस ये है कि जब आप इसको मिरर करते हो तो इसके कंट्रोल थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ भाई आप कुछ भी इस पर चला सकते हो, फ़ोन आपका मिरर हो चुका है अब एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई ये फ़ोन को मिरर कैसे करते हैं, और भाई बड़ी काम की चीज़ है। और अगर आपको इसको इससे बाहर निकलना है, कुछ नहीं करना, हमने बस होम का बटन दबाया और आप सीधा आगे बाहर, आपको दोबारा उसी में जाना है। आपको अगर वापस जाना है सीधा बस ऐप्स पे गए, ये कार्बिट लिंक की ऐप दोबारा खोल दी और भाई आपका मिरर्ड फ़ोन दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। बस इसका यार एक ड्रॉबैक मुझे लगा, जैसे मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ अभी, ठीक है, सपोज़ करो मैंने कुछ भी चला रखा है, और अगर मैं इसकी स्क्रीन ऑफ़ कर देता हूँ तो यार वो स्क्रीन भी ऑफ होगी, ये देखो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब वहाँ से चला के फ़ोन ऑफ़ करके यहाँ पे ऐसे रख दिया उल्टा करके और वो अपने आप यहाँ पे चलता रहेगा, नहीं भाई ऐसे नहीं है। मतलब अगर आपने इसको चला के रखना तो आपको अपना फ़ोन भी ऑन ही रखना पड़ेगा सारा टाइम। अगर मैंने कोई वीडियो प्ले करी है ना, तो मुझे फ़ोन यहाँ पे ऑन करके ही रखना पड़ेगा, मतलब दो जगह वीडियो चलेगी, मतलब इसकी स्क्रीन आप बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। और भी इस म्यूज़िक प्लेयर के अलावा आपको इसकी थोड़ी सी और फंक्शनलिटीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ ऐप्स पे गए, यहाँ पे प्री डिफाइंड एक ऐप्स हैं, ये तो कुछ नहीं मतलब ऐसे ही मतलब वही है जो मैंने आपको पहले सेटिंग्स में से दिखा दिया था। यहाँ से आप प्ले पॉज म्यूट इसके बटन वगैरह चेंज कर सकते हो, और जो स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं तो भाई उसमें उस कंट्रोल में आपके सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, वॉल्यूम अप डाउन, गाना आगे पीछे, कॉल उठाना, कॉल रिजेक्ट करना, म्यूट, सोर्स चेंज करना, यहाँ से आप ब्लूटूथ वगैरह वो मतलब सोर्स अपना चेंज कर सकते हो, तो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई कैसे करना है। तो भाई ये जो मेरे को ये वाला फ़ीचर लगा ना, ये तो भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा जो ये फ़ोन मिरर करने वाला है। इसमें क्या होता है मतलब आपको मतलब सीधा आप, जैसे मैंने तो वीडियो का एग्जांपल लिया, आपने कहीं जाना है, आपने सीधा नेविगेशन चलानी है, भाई सीधा अपनी नेविगेशन चलाओ और इसमें आ जाएगा डिस्प्ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो यार सच्ची बात बताऊँ, मैं तो ना महिंद्रा से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। मतलब छोटे मोटे जो भी इसके अंदर कमियाँ या टाइम वगैरह रीसेट हो जाता है, वो चलो अलग बात है, वो मैं इसकी फर्स्ट सर्विस में ठीक करवा लूँगा। बट यार मतलब इतनी बड़ी गाड़ी में, मतलब बेस मॉडल में, इतने इस प्राइस रेंज पे भी आपने म्यूज़िक प्लेयर दिया, और वो भी एंड्रॉयड, मतलब क्या बोलूँ भाई, काबिलियत तारीफ़ है महिंद्रा। और भी इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ है। बेशक ये बेसिक मॉडल ही है एंड्रॉयड का, स्टार्टिंग मॉडल है। और ये भाई, पहले जिसको नहीं पता बता दूँ, ये निपॉन ब्रांड का स्टीरियो है। जब मैंने इसके अंदर रिवर्स कैमरा लगवाया था, तो इसके अंदर मतलब पीछे इसमें निपॉन की ब्रांडिंग है। और भाई एक चीज़ और, मतलब ये जो आपको स्टीरियो, अगर आपको Z2 में रिवर्स कैमरा लगवाना है ना, तो भाई कुछ झंझट नहीं है, कुछ आपको जाके एक्टिवेट नहीं करवाना, आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। इसके पीछे दो होल हैं, उसमें सीधा आपको तार प्लग करनी है और आपका रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको यार, ये देखो, ये जैसे ही मैंने इसको दबा के डाला इसका रिवर्स कैमरा, ये भाई ये देखो क्वालिटी देखो जरा रिवर्स कैमरा की। और कुछ नहीं करना पड़ा यार इसमें, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे कई Z4 उसमें तो था ना कि भाई पहले गाड़ी आई थी, इतने टाइम तक रिवर्स कैमरा एक्टिवेशन करवाने के लिए घूम रहे थे महिंद्रा से, भाई कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। आप सीधा अपना इसमें किसी भी आफ्टर मार्केट में जाके लगवा सकते हो, नॉर्मल एंड्रॉयड स्टीरियो की तरह है। और यहाँ पर आप पिन मार के इसको रीसेट भी कर सकते हो, और ये आपका माइक का होल है जहाँ से इससे कॉल होते हैं भाई। और इसकी कॉल क्वालिटी की बात बता दूँ, कॉल क्वालिटी इसकी ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी है। मतलब काम चलाओ काम कर देगा आपका, मतलब जैसे ये नहीं है कि आप इसमें मतलब मस्त एकदम होकर कॉल ले सकते हो, क्योंकि भाई सामने वाले बंदे को ना आपकी आवाज़ थोड़ी कम आती है। तो मुझे नहीं पता वो मेरे मॉडल में ही है या कुछ है, पर मैंने 2-3 जगहों पर इसको टेस्ट कर लिया। पर जब मैं सर्विस कराने जाऊँगा, तो मैं किसी और की Z2 लेके भी एक बार टेस्ट कर लूँगा कि भाई ये सिर्फ अपने वाले मॉडल में ही है कि उसी में है। तो यार ये तो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर ही दिया है। बस ये मोटा मोटा आपका एक तरह से एंड्रॉयड ही है, इसके अंदर आप कुछ भी कर लो। ऐप्स इसके अंदर और डालने का ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं दिखा है, जैसे ही मुझे अगर दिखा या कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्राई करा था कि शायद मैं एक और ऐप, मतलब 2-4 ऐप्स और डाल लूँ, पर मुझे मिला नहीं यार वो ऑप्शन। तो मैं देखूँगा, अगर मिल जाता तो वेल एंड गुड, मैं करके देखूँगा। और यहाँ से भैया आप स्क्रीन की ब्राइटनेस और वॉल्यूम कर सकते हो, ये देखो ये ब्राइटनेस फुल होगी, ये ब्राइटनेस कम होगी, ये वॉल्यूम का आपका वो हो गया, ये आपका स्क्रीन ऑफ करने का हो गया। इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ इक्वलाइज़र भाई जो आपकी स्पीकर्स में से आवाज़ आती है आपसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जोन आप स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए सिर्फ आगे वाले स्पीकर से आवाज़ है तो भाई इसको ऊपर कर दो, सिर्फ पीछे वाले चाहिए तो इसको ऐसे कर दो, और अगर सिर्फ कोई स्पेसिफिक जैसे मेरे को ड्राइवर साइड वाला स्पीकर चाहिए तो भाई इसको ड्राइवर वाले कोने में ले जाओ। और अगर आपको चाहिए चारों स्पीकरों में बराबर आवाज़, तो बस डिफ़ॉल्ट करा और हो गया आपका काम। और भाई यहाँ से मैं बैक का बटन दबाया तो बैक मैं होम पे आ गया। तो भाई ये था कुछ इसका डिस्प्ले, आई होप आपको बढ़िया लगा। और भाई इसमें आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, तो ये देखो स्क्रीनशॉट खींच के इसकी फ़ोटोज़ में स्टोर हो गया होगा। तो भाई काफ़ी बढ़िया सा है, मतलब एंड्रॉयड स्क्रीन है, सारा कुछ इसके अंदर ऑलमोस्ट है जैसा कि आपके नॉर्मल फ़ोन के अंदर होता है, वैसा सब कुछ है इसके अंदर। और मुझे तो वही देखो पर्सनली ना बहुत पसंद है। पहले मैं सोच रहा था कि बेसिक से स्क्रीन है इसको रिप्लेस कराऊंगा, बट नहीं, हाँ इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड चढ़ाने वाला हो रहा है, ये पन्नी में थोड़े टाइम में उखाड़ दूंगा। बस मुझे भी डर है कि भाई इसको अगर अभी उतार दिया तो इस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, क्योंकि मेरी संभाल थोड़ी ऐसी सी है। तो जैसे ही मेरे को उसका स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा इसको मैं उतार दूंगा। और एक बस मेजर इशू मेरे को इसका यही है, मेरे को ये फर्स्ट सर्विस में दिखाना भाई महिंद्रा वालों को, भाई इसको ठीक करके दो, इसके बिना काम नहीं चलता। और यहाँ से आप अपना नेविगेशन खोलोगे तो वो भी आपकी कार बट लिंक ऐप से ही चलेगा, तो यहाँ से आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा फ़ोन को, और फ़ोन के अंदर आप नेविगेशन सेट करो तो वहाँ पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मेन नेविगेशन का है। तो यार ये थी कुछ आज की वीडियो, छोटी सी इसके उसके ऊपर, इसके इंफोटेनमेंट के ऊपर। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और दोबारा वो वीडियो आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी बना कर डाल दूंगा। और मैंने आई थिंक सारा कुछ कवर कर ही लिया है भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उसके लिए, और मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है स्कॉर्पियो NZ2 पेट्रोल को लेके, तो भाई मुझे सीधा कमेंट सेक्शन में बताना। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी है, उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। एंड भाई, और इस गाड़ी की सारी मोटिवेशन वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अलॉय फुट मैट्स, ये सेंटर लॉकिंग सारा कुछ डला हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं आपसे एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, एंड चलो भाई बाय बाय।